Children of class 1, today we are going to study about Anita's ears, Anita's hands and Anita's legs of chapter 4. We are Anita's ears. ये क्या है? Anita's की कान है. We help her to hear sounds. जो उसकी मदद आवाज को सुनने में करती है. She uses us to listen to music. और वो किसी म्यूजिक को, किसी गाने को भी इसी कानों के द्वारा सुनती हैं. नेक्स्ट, अनीताज हैंड्स. ये अनीताज की हाथ है. वी आर अनीताज हैंड्स. हम लोग अनीता की हाथ हैं. सी यूजेज अस टू होल्ड थिंग्स. वो मेरा यूज किसी चीज़ को पकड़ने में करती हैं. वी हेल्प हर टू पुश पुल एंड पिकअप थिंग्स. ये हाथ बोल रही है कि हम उसकी मदद, पुश मीन्स धकेलना, खींचना और पकड़ना, ये तीनों काम में उसकी मदद करती है. वी आर कवर्ड बाई स्किन. ये हैंड स्किन के द्वारा कवर्ड हैं. स्किन कवर्स द रेस्ट ऑफ अवर बॉडी टू. हैंड के अलावे ये स्किन उसके पूरे बॉडी को कवर करती हैं. अनीताज फील्स विद द हेल्प ऑफ अवर स्किन. और अनीता किसी भी चीज़ का महसूस अपने स्किन के द्वारा करती हैं. नेक्स्ट, अनीताज लेग्स. वी आर अनीताज लेग्स. ये क्या है? हम बोल रही हैं कि हम लोग अनीताज के पैर हैं. वी हेल्प हर स्टैंड, वॉक एंड रन. हम उसे खड़े होने में, चलने में और दौड़ने में मदद करते हैं. सी यूजेज अस टू किक, स्किप एंड डांस. वो मेरा उपयोग, किक मतलब मारना, किसी चीज़ को ढकेलना, स्किप कूदना एंड डांस, डांस करने में उसकी मदद करती है, उसका उपयोग करती है. सी कैन हॉप ऑन वन लेग. हॉप मीन्स कूदना. वो एक पैर पे भी कूदती है. सी कैन स्टैंड ऑन हर टोज टू लुक टॉल. और अपने पैर की उंगलियों पे खड़े होकर के वो लंबी हो जाती है. थैंक यू.